गाइस, ये है आर्यन भाई। मैं 10 दिन के बाद आना, 15 दिन के बाद आना, अगले महीने। देखो ये कैप है, मॉर्निंग गाइज। सो गाइज 8:30 हो चुके हैं और अभी उठा हूँ। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, पढ़ चुके होंगे कि वीडियो किस बारे में होने वाली है, तो मैं भी उठ चुका हूँ और देरी ना करते हुए मैं आज का रूटीन शुरू करता हूँ। तो मैं भी जाने वाला हूँ नहाने, उसके बाद मेडिटेशन करूँगा और फिर तैयार होकर आप लोगों से मिलता हूँ। बाय। सो व्हाट्स अप गाइज, अभी मैं बस नहा कर निकला हूँ और आज मैं जिम नहीं करूँगा, जिम मैं आज इवनिंग में करूँगा। अभी मैं मेडिटेशन करके तैयार होऊंगा, तैयार होके मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगा, वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगा। और मैं जहाँ भी जाऊँगा ऑडिशंस के लिए, जिससे भी मिलूँगा, वो सब मैं डालने वाला हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या क्या डालने वाला हूँ, बट गाइज पूरी वीडियो में बने रहिए। तो ये देखो गाइज, ऑडिशन के लिए तैयार होने से पहले, ऑडिशन या मीटिंग के लिए तैयार होने से पहले हमें एक नॉर्मल रिच कैजुअल लुक कैरी करना होता है और उसमें भी कन्फ्यूजन रहता है। तो देखो गाइस, अभी मैं जल्दी से कुछ इसमें से चूज़ करके पहनता हूँ और फिर हम लोग चलते हैं ऑडिशन के लिए। सो गाइस, अभी मुझे थोड़ा जल्दी करना होगा और जल्दी में ईजी और फास्ट ऑप्शन है मूसली दूध, और ये 150 मैंने सामान मंगवाया था। गाइज जो भी हो, सबके साथ साथ अपना हेल्थ का ध्यान रखना भी जरूरी है। तो ब्रेकफास्ट बहुत ही कंपलसरी मील है, वो आप लोगों को लेनी चाहिए, तो ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना चाहिए गाइज। तो गाइज ये रही मेरी आज की लुक, और मैंने इस पर ऑलरेडी एक रील बनाई है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज यही कैरी की जाए। सो गाइज अभी बाहर बहुत धूप है, तो मैं अभी सनस्क्रीन अप्लाई करूँगा। स्किन की केयर करना बहुत ज़रूरी है गाइज, और दिन भर कुछ खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता होता। तो अभी मैं जा रहा हूँ, बाहर बहुत धूप है, गर्मी लगने वाली है मुझे पता है, बट क्या करें, ये कैरी करना पड़ता है, ये मैं अपने हाथ में रखूँगा। तो गाइज लेट्स रोल। तो गाइज मैं तो रेडी हो गया हूँ, अब मैं अपने दोस्तों का वेट कर रहा हूँ जो कि आने वाले हैं, और मैं बताना चाहूँगा कि वो लोग खुद में इंस्पिरेशन है। तो एक्चुअली वो लोग बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, एक्टर्स हैं, लेकिन अभी भी इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं और अपना मेंटेनेंस रखते हैं, प्लस उन लोगों ने मूवी सीरियल्स टीवी सब किया है, लेकिन जब तक इंसान एस्टेब्लिश नहीं हो जाता, लोग पहचानते नहीं हैं, तब तक लोग उसे उस नज़र से देखते हैं, यू नो। तो गाइज ये सब एक्टर्स की लाइफ का एक बहुत बड़ा सच है कि हमें बहुत सारी रिजेक्शन मिलती है, हम रोज़ कहीं ना कहीं जाते हैं और वहाँ पर रिजेक्शन मिलती है, नए नए डोर्स नॉक करते हैं, हमें नहीं पता होता किस पे रिजेक्शन है और किस डोर पर कोई अपॉर्चुनिटी नॉक करने वाली है। तो एक्टर का काम है अपनी प्रोफाइल पहुँचाना, अपने आप को शोकेस करना, और बाकी भगवान के ऊपर है, ऊपर वाला सबको कुछ ना कुछ देता है तो हमें भी देगा, हम यही रोज उम्मीद करते हैं। गाइस जो मेरे साथ आने वाले थे उनमें से हमारी भाई है, वो तो थोड़ा सा अनफिट फील कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं और जिनसे मैं आपको मिलाऊंगा वीडियो में थोड़ी देर, हम लोग दोनों जाकर चेक करने वाले हैं कि क्या होने वाला है आज पूरे दिन में। सो गाइस लेट्स शो। तो गाइज मैं निकल पड़ा हूँ, वो मुझे पिक करने आ रहे हैं, घर से निकल गया हूँ। और एक स्पेशल बात ये है कि वो भी शिमला से हैं। तो गाइज़ यहाँ पर शिमला की गाड़ी या फिर हिमाचल की गाड़ी देखना एक बहुत अच्छा लगता है मुझे, ऐसा लगता है कि हाँ घर से नज़दीक है। तो अभी हम लोग जस्ट निकलने वाले हैं और आपको दिखाता रहूँगा कि क्या होता रहेगा। तो गाइज देखो कितना ट्रैफिक है और कितनी भीड़, कितना ट्रैफिक और कितनी धूप है, मुंबई की लाइफ है। हाँ मैं जो मुंबई में रहते हैं उन्हें तो पता ही है ऑलरेडी, बट मैं उन्हें बता रहा हूँ जो मेरे कुछ लोग जो मुझे जानते हैं जो शिमला से हैं, उन लोगों बता रहा हूँ कि इधर का वेदर देख सकते हो, इधर बहुत गर्मी है, हमारे वेदर के हिसाब से इस टाइम पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। एक्साइटमेंट
लेवल कम हो जाता है जब इतनी धूप होती है, गर्मी लगती है, और मैं भी ये जैकेट निकालने वाला हूँ। जब इतनी गर्मी लगती है तो हालत बुरी हो जाती है और शक्ल डाउन हो जाती है, बट क्या करें, अभी तो जस्ट निकले हैं। और ये देखो गाइस, सबसे बड़ी खुशी, ये जो HP नंबर है ना शिमला का, ये जब मुंबई में दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है। हेलो 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 हेलो, व्हाट्स अप गाइस, ये है आर्यन, मैं इन्हीं का वेट कर रहा था और वीडियो में मैं मेंशन कर चुका हूँ, तो सीट बेल्ट भी निकाले, सीट बेल्ट लगाना जरूरी है और जैकेट भी निकालना जरूरी है। तो मतलब हर जगह सीट बेल्ट का क्या मतलब पीछे 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 भी है गाइस, अभी पीछे भी सीट बेल्ट पहननी पड़ेगी, आगे इतनी गर्मी लगती है तो पीछे का क्या हाल होगा पता नहीं। खैर अभी गाड़ी में आ गए हैं और थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर के लिए ही अच्छा लगेगा बट ठीक है। तो भाई हम लोग जा रहे हैं अंधेरी, है ना, हम लोग अंधेरी जा रहे हैं और अंधेरी में कुछ प्रोडक्शन है जहाँ से हम अभी शुरुआत करेंगे। वो पहला कहाँ जा रहे हैं भाई, पहले हम हैट्स ऑफ जाने वाले हैं। तो गाइज देखते हैं कि पहले प्रोडक्शन में हमें क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है, कौन मिलता है कौन नहीं मिलता है। वैसे तो काफ़ी टाइम से वहाँ पर कोई भी नहीं है, बट आज किस्मत आजमाते हैं। तो गाइज ये देखो, गाड़ियों की पार्किंग की जगह भी नहीं है, लोगों ने कितनी कहाँ और कैसे लगाई है गाड़ियाँ, कितनी भीड़ है यहाँ पे। तो हम गाड़ी पार्क कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से कोई जगह मिली है, और दिक्कत ये है कि यहाँ पे इधर भी लोग पार्किंग के चार्जेस लेने आ जाते हैं और जब तक हमें जगह नहीं मिलती तब तक कोई हेल्प नहीं करता, पता नहीं क्या चल। तो गाइस पार्किंग तो हमें मिली है बट 4-5 मिनट लगेंगे यहाँ से हमें जाने में, और वहाँ तक पहुँचते पसीने भी आ जाएंगे। तो क्या कर सकते हैं, कहीं भी हमें पार्किंग नहीं मिली तो क्या कर सकते हैं गाइस, अभी देखते हैं, पैदल जा रहे हैं। हाँ क्या बोल रहे हैं भाई, डबल पार्किंग लगा करके देख लो, डबल पार्किंग। अंधेरी का वो एरिया है जहाँ पे बहुत सारे क्लब्स हैं, इधर साथ में ही एमेथिस्ट हैं, और इस लेन में बहुत सारे, वो देखो लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स, टी सीरीज का ऑफिस इधर ही है, टी सीरीज म्यूजिक का ऑफिस इधर ही है, और ये द लिटल डोर गाइस, इसके अंदर एक कैफ़े, बहुत प्यारा कैफ़े। तो पहला प्रोडक्शन जो है वो है क्रेसेंट टावर में, वो देखो मंजिल, और ये रही रहा, बिल्कुल छोड़ दिया, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ। आप इधर अगर कुछ अपनी इंफॉर्मेशन भेजना चाहते हो तो भेज सकते हो। और तो गाइस हैट्स ऑफ खाली था एज यूजुअल, मैंने कहा था लास्ट टाइम भी वो खाली था, अभी भी खाली है, बट अगर आप लोगों को अपनी प्रोफाइल भेजनी है तो उस मेल पे भेज सकते हो। और अब हम लोग जा रहे हैं पेनिनसुला की तरफ, क्या कर सकते, लेट्स गो। तो गाइज पेनिनसुला में भी कोई नहीं मिला, मैंने उधर का जहाँ पे आप प्रोफाइल भेज सकते हैं मेल से आपको शेयर किए हैं, तो आप लोग उन्हें मेल कर सकते हैं। तो गाइज अभी हम लोग तीसरे प्रोडक्शन गए थे शून्य स्क्वायर, और ये हमारे भाई लोग भी हमें मिले, तो ये लोग भी ऑडिशन के लिए आए थे बट कुछ हो नहीं पा रहा अभी। और एक्चुअली आज सब खाली है और सैटरडे है, तो सब वैसे मतलब हमसे भी ज़्यादा मिले। तो गाइस जहाँ हम लोग डिस्कशन कर रहे थे आजकल क्या हो रहा है, और भाई क्या क्या मतलब क्या बोलना चाहोगे आप, कैसा चल रहा है आजकल काम? कुछ नहीं चल रहा काम आजकल, ऑडिशन भी नहीं ले रहे यार, बहुत बड़ी बात है। बताओ अभी ऑडिशन ही नहीं ले रहे हैं एक्टर्स को एंटरटेन करने के, बताओ मतलब ये बोल रहे हैं कि आइए और बस आइए 10 दिन के बाद आना, 15 दिन के बाद आना, अगले महीने अभी बताओ गाइस भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, काम आ रहे हैं, बहुत शोज आ रहे हैं बट लोगों को पता ही नहीं चल रहा, सब कुछ अंदर ही अंदर हो रहा है। और देखो इतनी धूप पे, इतने मतलब इतनी धूप पे मेहनत करते हैं हम लोग, पर सब खाली पड़ा है।
और गाइस सीरियसली अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि एक्टर्स की लाइफ क्या है तो गाइस दिस इज़ द ट्रुथ, ये भी एक सच है एक्टर्स की लाइफ का। तो यहाँ से हमें जाना पड़ता है हर एक एक्टर को, सबके अपने सपने होते हैं, वो सब अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं, लेकिन देखिए किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। लेकिन वो वही होता ना, जैसे हम तो क्या, हमको यहाँ आगे 10 मिनट में पहुँच गए। तो भाई लोग किधर किधर रहते हो आप लोग? नया गाँव। नया गाँव से इधर आते हो मतलब हर वीक? तो भाई नया गाँव अंधेरी से बहुत ज़्यादा दूर है, आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ से मतलब एक घंटा किससे, ट्रेन से, ट्रेन लोकल से एक घंटा लगता है। तो गाइस काम इतना इजीली नहीं मिलता, आपने इन लोगों को टीवी पे देखा होगा, ज़रूर देखा होगा, बट देख लो इतना टीवी पे आने के बाद भी हम लोगों को दिन रात मेहनत करते रहना पड़ता है। पंचायत टू में भी आए थे और ओके। तो गाइस ऐसा मेहनत है, बस ऐसे नहीं मिलती मेहनत, कभी भी क्या कहते हैं वो, क्या बोलते हैं, वेस्ट नहीं जाती है। वो देखते हैं बस ये यही है कि आधे घंटे का एपिसोड है, कोई मेहनत नहीं है इसके पीछे, ये मेहनत है, बहुत बहुत मेहनत है। और ये जज्बा जो ये लोग लेके आते हैं ना, मतलब ये इनसे मिलके हम लोगों को, ये लोग हमारे लिए इंस्पिरेशन है। तो हम लोगों को मतलब ऐसा लग रहा है कि वाओ यार, मतलब हैट्स ऑफ टू यू गाइस। सो गाइस अभी हम लोग वापस पैदल चल कर गाड़ी में आए हैं और गाड़ी इतनी तप रही है, बहुत बुरे हाल है। तो अभी हम लोग आराम नगर जा रहे हैं, हम लोग जहाँ भी गए अभी तक कुछ ऐसा कुछ खास नहीं हुआ ना, कोई कुछ लोग मिले हैं बट कह रहे हैं कि 15 के बाद आना या फिर इस दिन के बाद आना, तो कोई शो नहीं चल रहा है। और आप लोग अभी इन लोगों को देख चुके होंगे कितनी दूर से लोग आते हैं, कितनी मेहनत करते हैं और फिर भी रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है, और तब कहीं जाके कुछ मौका मिलता है कहीं परफॉर्म करने का, और वो हम लोग परफॉर्म करते हैं तो वो लोग लाइक वो चीज़ें भी मिस हो जाती है। तो गाइज आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, हमारी छोटी सी परफॉर्मेंस पे भी अगर आप लोग अप्रिसिएशन देते हैं तो वो बहुत 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 हेल्प करता है एक एक आर्टिस्ट को। अरे भाई अब हम आराम नगर जा रहे हैं, आराम नगर में हर एक एक्टर को पता होगा कि आराम नगर में कितने मूवीज़ वाले प्रोडक्शंस हैं और कितना काम होता है, कितने ऑडिशंस होते हैं। आराम नगर में कुछ ना कुछ तो चलता रहता है, बट लेकिन कुछ टाइम से आराम नगर भी खाली पड़ा है। आज हम देखते हैं, अभी जो लोग हमें मिले थे उन्होंने कहा कि आराम नगर में अभी कुछ नहीं है सच, बट हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, कुछ लोगों से मिलकर आएंगे, तो देखते हैं कि आराम नगर में क्या होता है। सात बंगला है, बहुत ज़्यादा महंगा है, एक्सपेंसिव है। अगर आप यहाँ पे सब्जियाँ लो या कोई छोटी चीज़ भी आपको चाहिए तो यहाँ पे बहुत महंगी मिलती है, बहुत महंगी मिलती है। और यहाँ का क्या है कि आप जितना आगे जाओगे उतनी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो महंगी होती जाएंगी। यहाँ पे ये हम एंटर कर रहे हैं, पार्ट वन आएगा। यहाँ पे पहले बहुत सारे ऑडिशन होते थे कोविड से पहले, तब यहाँ पे काफ़ी सारे ऑडिशन देते थे, एड्स के ज़्यादातर ऑडिशन यहीं पर होते हैं, एड्स के, मूवीज़ के, मेन हब ये इधर ही है, मूवीज के ऑडिशंस भी। लेकिन यहाँ पे क्या ज्यादातर एड्स के, मतलब उस वक्त जब आते थे एड्स के तो चलते ही रहते हैं, मतलब अभी भी नहीं, अभी तो नहीं चलते, अभी तो वो ये ऑनलाइन ही चलता था। लेकिन पहले क्या था, इतनी लाइनें लगी रहती थी यहाँ पे, आपको ये क्या, एक बार नाम लिखवा के आपको एक एक दो दो घंटे बैठे रहना पड़ता था। और मूवीज के लिए तो लोग यहाँ पे स्टूडियो बुक करवाते थे, जिनके प्रोडक्शन टाउन साइड है वो स्टूडियो बुक करवाने के बाद यहाँ पर ऑडिशंस लिया करते थे, और काफ़ी लोग आते भी थे ऑडिशन देने। तो गाइस हम लोग अभी आराम नगर पहुंच गए हैं, मतलब ये तो बिल्कुल अभी बिल्कुल अलग हो गया है, क्योंकि अगर इससे अगर हम पहले आते यहाँ पे आप देख सकते कितनी लाइनें लगी रहती थी यहाँ पे एक्टर्स की, अभी तो देखो अब तो खाली हो गया बिल्कुल एकदम से, अब वो एक्टर नजर भी नहीं आ रहा, पहले एक्टर ही एक्टर नजर आते थे, सही बात कह रहे हो, ऑडिशन रेगुलर चलते रहते, बट अभी आप लोग देख सकते हो स्टूडियोज भी खाली है, ये स्टूडियोज देखो इधर, यहाँ पे लाइन लगी रहती है, ऊपर ही है, यहाँ पे बहुत ऑडिशंस होते हैं, यहाँ पे ऊपर ये देख रहे हो, ये ऊपर है ना, ये इधर एड्स के बहुत ऑडिशन, मैंने खुद यहाँ पे एड के ऑडिशंस दिए हैं, पराग मेहता कास्टिंग। तो गाइस यहाँ आपको थिएटर ग्रुप्स भी बहुत मिलेंगे, यहाँ पे वर्कशॉप्स बहुत होती है, थिएटर ग्रुप यहाँ पे काफी है, जो लोग रिहर्सल्स करते हैं यहाँ पे, एक्टर्स बहुत रहते हैं नजदीक में, ये यारी रोड पे काफी एक्टर्स
रहते हैं क्योंकि, और ये वो गली है जहाँ पे अपना श्रुति महाजन, हाँ जहाँ पर श्रुति महाजन का ऑफिस हुआ करता था। तो गाइज अभी हम लोग एंटी कास्टिंग और श्रुति महाजन के ऑफिस के पास पहुँच गए हैं। अविनाश शर्मा और ये एंटी कास्टिंग अविनाश शर्मा कास्टिंग क्यू, और ये रहा श्रुति महाजन। इधर खाली हो गया, बंद हो गया, श्रुति महाजन शिफ्ट हो चुका है। तो इधर ऑन माइक के रोल का ऑफिस है। तो ये लोग मूवीज और सीरियल्स, वेब सीरीज के प्रोजेक्ट्स करते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं, अभी हम लोग आराम नगर पार्ट 2 जा रहे हैं गाइस। तो ये वर्सोवा है और अभी ये नहीं है, तो ये 7 बंगलोज है। 7 बंगलोज जब खत्म होगा, अब इसके बाद आने वाला है वर्सोवा शुरू हो जाएगा। जैसे अगर मर्ड आइलैंड जाना हो तो वहाँ से जेटी मिलती है, तो वो क्रॉस करके जेटी से मर्ड आइलैंड भी पहुँच सकते हैं। बहुत नज़दीक है। मोस्टली जो जिन लोगों को सुबह शूट रहता है वो लोग यही प्रेफर करते हैं कि वो जेटी से जाए। इवन भी बड़े एक्टर्स भी, इवन बड़े एक्टर्स भी अपनी गाड़ी इधर ही छोड़ के जेटी से जाते हैं, कि बहुत टाइम बचता है ना यहाँ से। नहीं तो अगर आप यहाँ से घुमा के जाओगे कम से कम 2 घंटा आपको पहुँचने में लगेगा, लेकिन यहाँ से आप आराम से 5 मिनट में सीधा मर्ड आइलैंड पहुँचोगे। और यहाँ से हम राइट लेते हैं तो अंदर हम लोग पहुँचते हैं आराम नगर पार्ट 2 में। तो गाइस ये लोग, अब हम लोग एंटर हो चुके हैं आराम नगर पार्ट 2 में। कबूतर देखे आप लोगों ने कितने, यहाँ पे कबूतर एक्टर बहुत मिल जाएंगे यहाँ पे कबूतर एक्टर बहुत है। एक्टर ये रहा, मंदिर भी है यहाँ पे, जय माता दी। और इधर एक ओवर एक्ट करके थिएटर हुआ करता था, वहाँ हमने परफॉर्म किया, वहाँ शायद मैंने अपने लाइफ का पहला प्ले किया था यहाँ पे मुंबई में। और इधर भी एक कास्टिंग ऑफिस हुआ करता था, अभी नहीं है। और आगे FTC सुनील शेट्टी जी का, हाँ FTC अस्मिता थिएटर स्टूडियो प्रोडक्शन है। और इधर जो है अस्मिता थिएटर स्टूडियो मुंबई 4601 दिल्ली में भी है, वहाँ ये यहाँ पे उन लोगों की वर्कशॉप चलती होगी। और ये भी इधर भी कास्टिंग होती थी और शायद अभी भी होती होगी। इधर स्टूडियोज हैं जो आपको रेंट पे मिलते हैं, और इधर ही आगे कास्टिंग बे भी है, और कास्टिंग बे इधर है। और उधर से वेदा स्टूडियोज की एंट्री भी है, तो वेदा में 3-4 स्टूडियो हैं, और उसके उस तरफ वेदा थिएटर भी है और वेदा फैक्ट्री भी है। तो गाइस ये देखो, मॉर्निंग में जी इधर ही एक्टर्स आते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा ये कैसी जगह है, तो गाइस यही वो जगह है जहाँ से काफ़ी एक्टर्स ट्रेवल करते हैं और इधर उधर घूमते हैं। ये गलियाँ आराम नगर की गलियाँ ही हैं, खुफिया गलियाँ हैं आराम नगर, खुफिया गलियाँ हैं, एक्टर्स भी पता रहती हैं। तो गाइस ये वेदा फैक्ट्री है, हमने यहाँ पे काफ़ी प्लेस किए हैं और ये अभी बिल्कुल रेनोवेट करके नया बना दिया है। और इधर थिएटर स्पेस है इधर, ये यहाँ पे वेदा फैक्ट्री का। और ये हमारे, क्या हाल है भाई, कैसे हो? बहुत अच्छा। तो ये हमारा कैफे वाला एरिया, और इधर हमने थिएटर काफ़ी सारी परफॉर्मेंसेस किए हैं, इसके अंदर थिएटर है। और अभी देखो ये प्ले होने वाले हैं। तो यहाँ पर हर सैटरडे संडे और मिड वीक डेज में भी प्लेज होते हैं। हम लोग वापस अभी पार्ट 1 जाएंगे, और पार्ट 1 में हमें कुछ फ्रेंड्स मिले थे, उनसे इन्फॉर्मेशन मिली है कि वहाँ कुछ हो रहा है। तो लेट्स सी, ट्राई गाइस, इधर किसी सीरियल या किसी प्रोजेक्ट की वर्कशॉप हो रही है, तो यहाँ भी कुछ नहीं। तो गाइस देख सकते हो कितनी सारी, मतलब हमें पता ही नहीं होता कहाँ रिजेक्शन मिलेगी और कहाँ नहीं। तो गाइस इसी के साथ हम लोग अब वापस जा रहे हैं घर। आज तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा। तो गाइस अभी मैं घर पहुंच चुका हूं, और घर पहुंच के इतना सब जो मैं घर डाल के गया था वो सब साफ कर रहे हैं। प्लस गाइस ऐसा रहा हमारा पूरा दिन आज का, हम लोगों ने जो कुछ भी किया, और एक्टर्स की ये लाइफ है, ये एक्टर्स की गर्मी है जो हम लोगों ने किया वो हमने आपको दिखाया।
और आपने देखा कितने लोग हमें मिले और कैसे एक्टर्स को स्ट्रगल करना पड़ता है, कहाँ कहाँ से वो लोग आते हैं जस्ट कि एक शूट मिल जाए या फिर एक चांस मिल जाए या फिर कुछ भी कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, कोई काम मिल जाए। तो गाइज इट्स क्वाइट टफ जॉब, बट जब एक बार मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से हमने पूरा दिन ख़त्म किया। तो गाइज बेसिकली तो अभी हम लोगों को आज इतना कुछ हासिल नहीं हुआ, हम लोग जस्ट डोर टू डोर गए, इंफॉर्मेशन ली और वापस आ गए। तो आई होप कि नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छा हो। तो गाइज तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर और बहुत सारा प्यार देना। सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।